नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट देखकर एक ऐसे मामले की जानकारी लेने के लिए आपके समक्ष रखेंगे। सोशल मीडिया पर एक तेजस भारत के पत्रकार हैं विशाल कुमार जी, इनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। तो हमने इनसे संपर्क किया और इनसे पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आज इनके साथ आपके समक्ष रखेंगे पूरी सच्चाई क्या है। विशाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद जो इस मुश्किल परिस्थिति में आप हमारे साथ आए। और आप क्या बोल रहे थे सर? पूरी जानकारी अपने हमारे दर्शकों को बताइए, क्षेत्र की जनता को बताइए, जो सच्चाई से अवगत हो सके जी। मामला क्या है? देखिए, मामला यही है कि मैं, आपने जैसे बताया कि मैं तेजस भारत यूट्यूब चैनल पर पोर्टल चलाता हूँ, मैं इस पर वर्क लगभग 3-4 महीने हो गया करते हुए। इसी दौरान एक पचरुखी तगाड़ है जिसमें बच्चे सैन्य शक्ति की उसमें अपना तैयारी करते हैं और वहाँ पर वो छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर उसको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वहाँ पर एक रनिंग प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। तो उसको कवरेज करने के लिए मैं वहाँ गया और लोगों, वहाँ जो बच्चे थे, स्थानीय बच्चे थे, उनकी बातों को मैं एक अपने चैनल के माध्यम से सोचा कि छोटा ही है लेकिन जितना भी है मुझे लगा कि सही है। हाँ, बच्चों के बच्चों के फ्यूचर का बात है, चलिए इसको कवरेज किया जाए। मैंने कवरेज किया वहाँ, बहुत दिनों से लगातार ये धारणा बहुत लंबा चल गया, लगभग 2 महीना हो गया ऐसा चलते चलते गया। तो एक 21 तारीख की बात है जहाँ पर माले समर्थनों के द्वारा वहाँ अनेकों पार्टियाँ आकर वहाँ समर्थन कर रही थी, कभी जेडीयू के नेता आते थे, कभी कोई आता था, कभी आज भी धरना हुआ, लेकिन आज माले का था और उससे पहले 21 तारीख का भी माले का था। उस माले के धारणा को मैं वहाँ पे फ़ोन करके मुझे कवरेज करने के लिए बुलाया गया, जिसको मैंने आकर बखूबी कवरेज किया और उनकी बातों को लोगों के सामने रखने की कोशिश किया और जो उनकी समस्या है, जो उनकी मांग है, लोगों के बीच में रखने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे साजिश के तहत CEO साहब के द्वारा FIR करके फंसाया जा रहा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं पत्रकार नहीं, वहाँ पत्रकारिता करने नहीं गया। तो वहाँ मैं लाउड स्पीकर लेके धारणा में शामिल था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप, वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अभी भी है, CEO साहब, थाना प्रभारी जी, माननीय थाना प्रभारी जी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं दोषी हूँ, अगर मैं धारणाकारी आंदोलनकारी हूँ, तो आप बेशक मुझ पर FIR कीजिए और जो भी नियम कानून है, जो संविधान में, उसको मांगता हूँ। क्योंकि आपको बता दूं कि पत्रकार से कोई अच्छा नहीं जान सकता संविधान को। मैं इसके लिए पूरा राजी हूँ कि आप FIR किए हैं, चलिए, लेकिन हाँ, एक शर्त पे, आप वीडियो चेक कीजिए, आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ मैं आंदोलन किया हूँ तो आप मुझ पर FIR कीजिए। नहीं है तो फिर ये झूठा मुकदमा है कहीं ना कहीं। ठीक हुआ, देखिए, कहीं ना कहीं अब ऐसा ही हो रहा है कि जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। बताइए कि किसी के समस्याओं को, जनहित की समस्याओं को सामने लाना अपराध है तो अपराध ही है। तो धरना कितने बजे थी वहाँ पे और आपने वीडियो कितने बजे अपलोड किया? धरना सुबह 10 बजे के करीब में था। वहाँ से जो युवा हैं, बच्चे जो वहाँ के, वो हम कॉल किए कि कहाँ हैं, धरना चालू हो गया है। लोकल जनप्रतिनिधि थे और युवा थे, हम वहाँ गए और वहाँ उनकी बातें सुने और बस वहाँ से बाइट लेके हम घर चले गए। फिर 2 तारीख को पता चला हमको कि हमारे ऊपर FIR हुआ है। तो आज भी हम जाकर पता करने की कोशिश किए और अपने लोगों को भेजे कि जाके पता कीजिए कि FIR हुआ क्यों, कहीं गलत फैमिली में तो FIR नहीं कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि CEO साहब नहीं थे अपने ऑफिस पे, CEO साहब का ऑफिस बंद था और FIR मुझ पे कर दिया गया। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं जिस, जो मेरे पे एक्ट लगा हुआ है, अगर मैं उसमें सम्मिलित हूँ सबूत के साथ, तो मुझ पे बेशक कार्रवाई की जाए, अन्यथा आप पत्रकारिता को दबाने का काम कर रहे हैं जो देश का चौथा स्तंभ है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उस न्यूज़ को दिखा रहे हैं हम, तो उसमें हमको कहीं कोशिश किया जाएगा कि FIR करके इनको दबा दिया जाए। सिवान जिले के पत्रकार हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम देखिए उनसे यही कहना चाहेंगे कि आज हम एक छोटा माध्यम है, एक छोटी समस्या को लेकर खड़े हुए हैं, अगर आज हमको दबा दिया जाएगा तो हम नहीं दबेंगे। आज हमारी बार या कल आपकी बार? हम नहीं दबेंगे, आपसे बोल रहे हैं ना, हम क्यों दबे, हम नहीं दबेंगे। हमारा जो एक जात है पत्रकार का जात, वो दब जाएगा। अब बताइए, झूठा मुकदमा जब अधिकारी गण लोग हम पर कर देंगे तो हम सवाल कैसे करेंगे स्वतंत्र रूप से उनसे, लोगों की जनहित की बातें कैसे कर पाएंगे, गलत को गलत और सही को सही कैसे कहेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे डराने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं अगर उसमें दोषी हूँ तो मुझे बेशक जो भी कानून कार्रवाई बनता है, CEO साहब आप करिए, माननीय थाना प्रभारी ददन सिंह आप भी करिए, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे फंसाने का काम करके देश के चौथे स्तंभ को गिराने का काम मत करिए, यही आग्रह है। जो भी दर्शक
देख रहे हैं चाहे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम आप दर्शकों सभी से यही कहूँगा कि आप इस जो वीडियो क्लिप आ रहा है आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज जो समस्या आज मेरे साथ हुआ है, जो मेरे मीडिया भाई हैं उनके साथ ना हो। और हम लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग देश की सच्चाई को कैसे साबित कर पाएंगे, गलत को गलत और सही को सही कैसे दिखाएंगे? जब हमारे ऊपर FIR करके हमको फंसा दिया जाएगा तो हम लोग डर जाएंगे, बार बार फंसाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, ताकि ये बात ऊपर तक जाए और स्वतंत्र न्याय मिल सके और स्वतंत्रता से हम पत्रकारिता कर सके, ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो यहाँ आपने इसकी जानकारी मतलब उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की? देखिए अभी तो मेरे ऊपर FIR हुआ है, तो मैं किसी उच्च अधिकारी या फिर कहीं जा नहीं सकता। आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज जो समस्या आज मेरे साथ हुआ है, जो मेरे मीडिया भाई हैं उनके साथ ना हो। और हम लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग देश की सच्चाई को कैसे साबित कर पाएंगे, गलत को गलत और सही को सही कैसे दिखाएंगे? जब हमारे ऊपर FIR करके हमको फंसा दिया जाएगा तो हम लोग डर जाएंगे, बार बार फंसाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, ताकि ये बात ऊपर तक जाए और स्वतंत्र न्याय मिल सके और स्वतंत्रता से हम पत्रकारिता कर सके, ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो यहाँ आपने इसकी जानकारी मतलब उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की? देखिए अभी तो मेरे ऊपर FIR हुआ है, तो मैं किसी उच्च अधिकारी या फिर कहीं जा नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं फ़ोन के माध्यम से सभी जो अधिकारी गण लोग हैं उनसे संपर्क करने की लगातार मैं कोशिश में हूँ। CO साहब से भी बताया, मैं वहाँ पे भेजा भी था, CO साहब नहीं था। बताइए, मुलाकात ही नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास मैं कर दूँगा, कोर्ट जाऊँगा, वहाँ चैलेंज करूँगा मैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिला अधिकारी महोदय और SP महोदय से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं माननीय जो जिला अधिकारी हैं सिवान के और जो SP महोदय हैं, मैं आपसे यही मतलब कहना चाहूँगा कि जो भी घटना पचरुखी की है, अगर उसकी जांच की जाए, अगर मैं उसमें दोषी हूँ तो बेशक मुझ पर कानून कार्रवाई की जाए, अगर मैं नहीं हूँ तो कृपया करके आप देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को जिसे कहा जाता है उसे गिराने का काम मत कीजिए लोग। तो आपने विशाल की साफ बातें सुनी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं विशाल की अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई कीजिए, नहीं है तो हमें